बिजनेस नहीं होता तो हम सोच ही नहीं सकते थे कि क्या हम ऐसी जिंदगी सोच सकते कि जितने इतने बड़े बड़े लोग ऐसे ऐसे लोग हमारी वेलकम करेंगे इतना माला फूल। और हमारे देखिए अपलाइन बनारस से मिस्टर बीडी पांडे और संगीता पांडे, मैं देख रहा हूँ कि किस तरह एक बढ़िया सी ट्रेनिंग आप लोग मुझे लग रहा है कि इतना हमारे लिए दोस्तों इस बिजनेस की जो बात है ना, यही तो फैमिली वाली फीलिंग इस बिजनेस की, यही तो कमाल इस बिजनेस का, फैमिली वाली फीलिंग पता ही नहीं चलता। आप कहीं भी कुछ भी कर लोगे लेकिन ये फीलिंग, ये रेस्पेक्ट, ये प्यार नहीं मिलता। राजीव सर गाजियाबाद से, निमेश भाभी अभी मैं देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गया जब हमने अपने मेंटर अमरीश सर और मोनिका मैम को देखा, मैं इमोशनल हो गया कि अरे मैम भी आए हुए। अभी कुछ दिन बाद हमारी मुलाकात होनी है, मुझे लगा सर वहीं मिलेंगे। मैं जो कहना चाहता हूँ ये फैमिली वाली फीलिंग कहीं और, मेरे में ये नहीं था दोस्तों, मेरे पास इतना दम नहीं था अगर अपलाइन इस तरह सपोर्ट नहीं करते तो इस जर्नी पे। हाँ एक चीज मैंने किया जो मैं बोल चुका हूँ कि हमने अपलाइन की वो सारी बात मानी दोस्तों। ये कंपनी और कंपनी के स्टाफ, सच बताऊं तो मुझे लगा ही नहीं कि ये लोग जॉब करते हैं या मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। किस तरह से सपोर्ट किया, श्याम आप फैजाबाद जाओ, श्याम जी फैजाबाद में जाके जैसे लगा कि मुझे मेरी वो बिजनेस में किस तरह रोल किया एमपे के सारे स्टाफ ने। एक बार मैं बढ़िया सी क्लैपिंग चाहूंगा दोस्तों, सबने सपोर्ट किया लेकिन मैं स्पेशल क्लैपिंग आप सबसे चाहूंगा जयदेव सर के लिए। निकल सकता वो सारी चीजें हमने फॉलो की। और दोस्तों ये मैं कैसे कर सकता था अगर हमारी प्यारी टीम, भगवान से मैं यही सोचता हूँ कि भगवान पिछले जन्म में जरूर हमने कुछ अच्छे काम किए थे जो इतनी प्यारी टीम मिली मुझे। इन लोगों ने वो सारे अपने अपने काम किए तब इतना बड़ा बिजनेस बन पाया, लेकिन इनके लिए भी हमने अपना रोल प्ले किया। हमने लव एंड केयर जो मेरे से हो सकता था अपलाइन से पूछ पूछ के वो करना, हर वो चीज किया जो अपलाइन ने मुझे करने के लिए कहा कि टीम के लिए ये करो। हमारी अपलाइन ने हमेशा मुझे सिखाया कि कल्चर बढ़िया बिल्ड करो ग्रुप में। जब आप अकेले होते हैं हस्बैंड वाइफ तब कुछ करें गलती या कुछ नहीं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो आपको घर में वो कल्चर राइट डेवलप करना पड़ता है। फिर हमने वो काम किया कि जो मुझे करना, जो मैं चाहता हूँ हमारी टीम करे वो मैंने पहले किया। उषा बहुत निगेटिव थी लेकिन बाद में ये जब धीरे धीरे समझना शुरू की तो इन्होंने कंधे से कंधा जब मिलाया तब मेरे बिजनेस को ग्रोथ आई। और हमारे बिजनेस में लेडीज टीम बहुत स्ट्रांग रहती है, स्पेशल क्लैपिंग में चाहूंगा लेडीज टीम के लिए। और हमारी जो जेंट्स टीम है, मेल टीम है, वो भी कम नहीं है, तो एक स्पेशल क्लैपिंग उनके लिए भी मैं चाहूंगा। और मुझे लगता है उषा कुछ आप बताएंगी, इसके बाद मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। प्लीज एक बढ़िया सी क्लैपिंग उषा के लिए करेंगे। अपलाइन तो हमेशा नहीं रहते लेकिन बीच बीच में उषा मुझे करेक्ट करती है। एक बार इस जर्नी में मैं बहुत निराश हुआ था, मुझे लगा अब कैसे होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप दिल से कोई काम करते हो तो परमात्मा कोई ना कोई आपको मिला देता है जो कोई आपके फेवर का शब्द बोलता। उषा कहती कोई बात नहीं, टीम बड़ी हो जाएगी तो हो जाएगा। आज मुझे लगता है कि उषा को तो नॉलेज ही नहीं था, उषा ने कैसे ये बात कह दी, मुझे लगा वो परमात्मा ने करवाया था कि श्याम जाओ मत, ये सारी रुकावटें तो आएंगी लेकिन अगर तुम करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारे सामने भी वो सफलता की मंजिल आएगी और तुम इसे एंजॉय कर पाओगे। तो दोस्तों एक्साइटेड है आप? Yes! लोग डायमंड सही में जाना चाहते हैं? Yes! Yes! एक बात बता दो दोस्तों, भगवान ने मुझे सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे इसलिए डायमंड बनाया कि अब सबको विश्वास होगा अगर श्याम और उषा डायमंड जा सकते हैं तो अभी कोई भी जा सकता है। Yes! कोई भी जा सकता है। अपने दोनों बच्चों को लेके मैं किस तरीके से अपने जीवन को बिताती थी, एक एक रुपए के लिए भी बहुत परेशान थी, लेकिन कभी मैंने इनसे शिकायत नहीं की क्योंकि ये बिजनेस मिलकर रहे थे। मुझे लग रहा था कि अगर ये गए हैं तो कुछ पाने के लिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आपके हस्बैंड आपके बगैर कैसे रहती हैं उनके बगैर,
तो मुझे लगा कि अरे जब वो मेरे साथ रहने वाले नहीं रहने वाले थे, मैं अपने बच्चों को लेके बड़ी पालती थी, तब तो वो मेरे साथ रहे, आज कोई मजबूरी होगी तभी वो वहाँ गए हैं। तो मैं ये कह के वो बात टाल देती थी, और भगवान की कृपा से ये बिजनेस हमारे जिंदगी में वरदान बन के आया, और किस जिस कपल की वजह से आया है वो कोई और नहीं है बीडी पांडे जी और संगीता मैम। बनारस से चल के आई हैं, और त्यागी सर और निमेश भाभी बहुत अच्छी हैं, उंगली पकड़ के चलना मुझे सिखाया उनका मैम, और अमरीश सर एक बार जोरदार ताली से कमजोर थी, बोलना भी नहीं जानती आता था मुझे, मेरा हायर एजुकेशन भी नहीं है, मेरा जन्म बॉम्बे में हुआ है, मैं सपने बहुत देखती थी क्योंकि गुजराती लोगों के बीच में रहती थी, उनका लाइफ स्टाइल देख के मैं अपने अंदर दबाई रहती थी, वो सारी चीज नहीं मिली, आज इतना वेलकम हो रहा है, कभी शादी में भी इतना एंजॉय नहीं हुआ, जयमाल भी नहीं पड़ा, और सारा दिलाऊंगा, मुझे लालच दिलाएंगे कि तुम जौनपुर से चल के आओ, मैं जौनपुर से चल के आती थी, अकेले आती थी, बिजनेस में आने के बाद ये मुझे भरोसा हुआ कि मैं अकेले चल सकती हूँ, मैं जौनपुर से लखनऊ आती थी और लखनऊ से जौनपुर जाती थी, और बहुत लोग ये होता है ना कि लखनऊ में ही रह के